हरियाणा पुलिस के फर्जी पुलिसकर्मी लोगों को बनाते हैं बंधक और फिर मांगते हैं फिरौती। दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें, कामा क्षेत्र के लोगों को हरियाणा के लोग फर्जी तरीके से हरियाणा पुलिसकर्मी बनकर लोगों को बंधक बनाते हैं और उनसे फिरौती की रकम मांगते हैं। ऐसा ही मामला कामा क्षेत्र में सामने आया है, जिसका खुलासा डीएसपी प्रदीप यादव ने किया। डीएसपी प्रदीप यादव ने बताया कि हरियाणा के फर्जी पुलिसकर्मी बनकर क्षेत्र के लोगों का अपहरण कर उन्हें बंधक बनाकर उनके परिवारजनों से फिरौती की रकम लेने के मामले पहले भी सामने आए हैं, जिनके विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। हाल ही में कामा थाना क्षेत्र के गांव पाडी के पिता, पुत्र और दामाद का हरियाणा के लोगों द्वारा अपहरण कर उनसे फिरौती मांगने का मामला सामने आया है, जहां फिरौती लेने आए दो लोगों को, आमिर एवं मुस्तकीम को ग्रामीणों ने नंदेराबास गांव के पास से पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसके बाद शनिवार को ग्रामीणों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बुगलाल मीणा एवं डीएसपी प्रदीप यादव की मौजूदगी में कामा थाने पर पहुंचकर दोनों लोगों को पुलिस के सुपुर्द किया और ग्रामीणों ने उनके विरुद्ध अपहरण और फिरौती मांगने का मामला थाने में पंजीकृत कराया गया। दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है और भी खुलासे होने की पुलिस को संभावना है। वहीं कुछ लोगों द्वारा क्षेत्र में झूठी भ्रांति फैलाई गई कि दोनों आरोपियों को राज्य मंत्री जाहिदा खान के निवास से गिरफ्तार किया गया है, जिसका डीएसपी प्रदीप यादव ने खंडन करते हुए कहा कि दोनों आरोपियों को ग्रामीणों ने थाने में पेश किया था, जहाँ उन्हें गिरफ्तार किया गया है। राज्य मंत्री के नाम से झूठी अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध पीसीसी सदस्य एवं पूर्व प्रधान जलीस खान ने कहा कि राज्य मंत्री जाहिदा खान की छवि को कुछ लोग बेवजह ही धूमिल करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भरतपुर से रविकांत भट्टाचार्य की रिपोर्ट। कुछ इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसमें हमने झुरेरा में भी इनके विरुद्ध कार्रवाई की है, जो फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर आते हैं। समय पहले हमने पहाड़ी में भी कार्रवाई की थी, तिलकपुरी गांव में। अभी भी एक मामला भी सामने आया था, प्रकाश में आया था, जो पालड़ी गांव के तीन व्यक्तियों के लिए फिरौती मांगने का जो प्रकरण सामने आया था, उसमें गांव वालों की उनको पकड़कर थाने में लिया था, जिनके विरुद्ध भी अभियोग पंजीबद्ध किया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके संबंध में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है फिरौती मांगने वाले, क्या वो राज्य मंत्री के निवास से गिरफ्तार किया या और कहीं से? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये मैं और एडिशनल साहब डीक बैठे थे थाने के अंदर, गाँव वाले को खुद ही लेकर आए। ग्रामीणों ने पेश किया थाने? हाँ, गाँव वालों ने, उनके परिजनों ने साथ में आकर थाने पे स्वेच्छा से पेश किया।